स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, शेम, आज तक नहीं गए, शेम, शेम, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है, शेम, शेम, शेम। मैंने 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 मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं, आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की, ठीक है सर, कल देखेंगे समय। मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? एक मंत्री बोल रहे हैं, एक एक मंत्री खड़े होके बोल रहे हैं, एक एक मंत्री खड़े होके ऐसे कर रहे हैं, एक एक मंत्री खड़े होंगे तो पूरे सांसद खड़े होंगे, यहाँ पे पूरे सांसद खड़े होंगे, यहाँ पे बैठे नहीं है, चुपचाप करिए, कल पूरे सब खड़े होंगे, पूरे सब खड़े होंगे सर, कल सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा देश खड़ा होगा आपके खिलाफ, तो पूरा देश कल आपके खिलाफ खड़ा होगा। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज, ये सम्मान, एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो, गल मर, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण दूसरे कैंप में, मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते,
महिलाओं का दर्द सुनने का आप धैर्य लिए, महिलाओं का दर्द ही सुन सकते, महिलाओं का दर्द ही सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे जैसे सर शर्म करिए, शर्म करिए, जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है, इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। दो भाग के हैं, शर्म करिए जी, जब आपका मौका जब तक हो गया, आपका जब मौका जब तक हो गया, अभी नहीं, माननीय सभी सदस्यों से कहूंगा शांति रखें प्लीज प्लीज। मणिपुर, हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए अरे भाई क्या बात है, बात इन्होंने राहुल गांधी ने आज सदन में पानी पी रहे हैं भाई, क्या बात करते बैठो सर, सब ये राहुल गांधी ने आज जो बातें कही है इस सदन में बहुत ही गंभीर बात किया है, सवाल पूछना चाहता हूँ, सात दशक का हजारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में किया हुए हैं, इधर कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी सात साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है, नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है, आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है, बात करते हैं प्रॉब्लम, अच्छा बात करते हैं, आज नॉर्थ ईस्ट में सारा घाटा मिलिटेंसी में सारा कांग्रेस पार्टी की वजह से जमा हुआ है। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके का व्यवहार आप टेबल पर आकर कर रहे हैं,
इस तरीके से सदन नहीं चलेगा, ये तरीका ठीक नहीं है। जब मैंने किसी को कहा है तो कहा ऐसे सदन नहीं चलेगा, और भाई के बाद सदन नहीं चलाना चाहते अलग बात है। अब अपनी बात कही है, गलत तरीका ये, नो ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। जो माननीय सदस्य टेबल पर आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। माननीय मंत्री जी, भारत माननीय मंत्री जी, भारत बैठिए, भारत माता प्लीज बैठिए, भारत माता प्लीज बैठिए, प्लीज ब्रदर। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं, इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए। नहीं, गलत गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर प्लीज, जैसे मैंने प्लीज ब्रदर ब्रदर प्लीज भाई पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है,